ओके ओला अमीगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आई नो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी अनयूजुअल स्टार्ट टू द व्लॉग, बट टुडे आई एम एडजेसेंट टू द INA मार्केट, जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है. आई एम सो सॉरी, अभी थोड़ा सा शाउट करना पड़ रहा है. वंस आई एंटर द मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा. तो आई एम गोइंग टू द INA मार्केट और मेरे को थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग और थोड़ा सा नट्स वगैरह, चिलगोजे को और क्या बोलते हैं, पाइन नट ही बोलते हैं. तो आई नीड टू गेट दोज. और मैंने इससे पहले कभी INA मार्केट डिस्कवर नहीं की थी. आई नो, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट इतनी पास होता था तब भी मैं यहाँ पे कभी नहीं आई. तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है बिफोर गोइंग टू, पहले मैं गाड़ी लॉक कर दूँ. बिफोर गोइंग टू दिस मार्केट ऑलवेज हैव कैश इन योर हैंड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर लाइक दे एक्सेप्ट पेटीएम और कैश, और किसी किसी शॉप में पेटीएम का ऑप्शन भी नहीं होता. सो इट्स बेटर टू हैव कैश ऑन योर हैंड. सो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू द ATM एंड गेट सम कैश एंड उसके बाद आई विल गो टू द मार्केट. चलो विदाउट एनी फर्दर अडू, आल ऑन जी शैल वी. आई मीन सड़कों पे, मतलब इतने टाइम बाद सड़कों पे निकल के व्लॉग हो रहा है. सो आई एम वेरी थ्रिल्ड आई वुड से. अब पहले ATM ढूंढना. वाले दिखा दो एक बार, ये वाले फिश केक है. ये पूरा पैकेट है 300 रुपए. किसी कंपनी के नहीं होते, लोकल बनाते हैं इसी कंपनी का जो बना हुआ. कोरियन बूथ गया नहीं है, सो आई एम लुकिंग फॉर राइस केक, जो कि कोरियन डिश में डलता है. एंड द डिश इज टेक बुकी करके कुछ बोलते हैं, जो कि मैंने कहीं बाहर से ट्राई करनी है. बिकॉज ट्राई करने के बाद मुझे मसालों का पता चल जाता है कि कैसे बन रही है क्या नहीं बन रही. तो देन आई विल ट्राई एट होम. तो इसलिए मैं पहले से लेके रख रही हूँ इन एडवांस. ये वाला कह रहे हो ना, टपोकी, ये तो वैसे भी चिकन है. ठीक है, थैंक यू भैया. राइस केक है, कहाँ से पूछू, कहाँ से पूछू, यहाँ पे भी नहीं है. आई यूज टू लव दिस नमकीन. तो राइस क्रैकर हो गए, मैं राइस केक कहाँ. दो पैकेट ले आते राइस केक. अंकल आप दे दो जो राइस केक दिखाया था. फाइनली वी गॉट राइस केक, ऐसे दिखते हैं. और अंकल का कहना है कि ये कम से कम 2-3 महीने चल जाएंगे अगर इनको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे. तो ठीक है, लेट्स ट्राई, घर लेके जाते हैं फिर देखते हैं. एंड आई ऑल्सो गॉट द थैला, ये वही टूलों वाला कारपूर वाला बैग है जिससे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके लाती थी. बिलो भैया, थैंक यू. वेजी हेवन. और यहाँ पे इफ यू ओवर शॉप तो यहाँ पे कूली सर्विस भी मिल जाती है. कोई कोई भैया तुम्हें ऑफर कर देते हैं, ऑब्वियसली दे विल चार्ज समथिंग. तो यहाँ पे वो चीज़ भी मिल जाती है. बट आई एम ग्लैड कि आई हैव गॉट द हैंड बैग, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी आई एम लुकिंग फॉर चिलगोजे, क्योंकि मेरे को ड्राई फ्रूट में सबसे बढ़िया वही लगते हैं. भैया चिलगोजे मिल जाएंगे, खिले हुए दिखा दो. और क्या रेट होगा वो भी बता दो, कितने के होंगे ये भी बताना. खाने नहीं है, खाने नहीं है. पम्पकिन का 600 रुपए किलो और सनफ्लावर सीड्स का 500 किलो. ऑल दो यहाँ पे पेटीएम है बट कैश भी लेके चल रही हूँ, तो पेटीएम कैश दोनों यूज करूंगी मैं. आई एम नॉट श्योर कि कितना ऑडिबल हूँ मैं, बट मेक डू. गच्चक गच्चक
भैया ये बनाना सिर्फ नारियल के तेल वाले हैं कि सिंपल तेल है? सिंपल तेल है। हाँ जी भैया, टिश्यू का पैक कितने का है? एक प्लेट का ही है। यू विल थिंक कि मैंने टॉयलेट रोल के लिए, अब ये कह सकते हो कि ये फ्रांस में रहने के रेपरकशंस हैं, तो समझ जाओ भुनी हुई है ना ये। कैश या पेटीएम? ये रोस्टेड कॉर्न, नमकीन हेवन। ये भी कर देना भैया। ये 70 में होगा ना भैया? ये भी उसी में ऐड कर दो, मूंगफली में 230 हो गए ना। ऐसी दे देना, थैली हटा दो, थैली हटा दो। वो देना ड्राई एप्रिकॉट लेना, एंड ये सब मैंने लिया है इस वाली शॉप से, ड्राई फ्रूट तिरुपति स्टोर। बहुत अच्छी लगी मुझे, सब कुछ मिल रहा था और फालतू की बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ती, एकदम रीजनेबल प्राइस होते हैं और सारी चीज़ें मिलती हैं, इंक्लूडिंग द नमकीन, ड्राई फ्रूट, मसाले वसाले सब मिलता है। फ्रूट हेवन। तो पहले मैं थोड़ी हैवी चीज़ें ले रही हूँ जिनसे थोड़ा बेस बन जाए, और उसके ऊपर सब्जियाँ वब्जियाँ ले लूँगी ताकि वो ख़राब ना हो, शेप वेप ख़राब ना हो। तो अभी जा रहे हैं गच्चक वाले के पास। कहाँ गया वो भैया? तो एज फार एज आई रिमेम्बर वो वाली शॉप इधर ही कहीं थी आंटी जी, तो यही थी श्री राधे माता पिता नमकीन एंड गच्चक स्टोर, यही थी। बट भैया पता नहीं कौन से हैं। भैया आपसे पिछली बार गच्चक लेके गई थी, आप कोई और बैठा था पहले। एक तो केले वाले चिप्स थे दो, नारियल के तेल वाले, तो दीज आर रागी चिप्स। मैं घर पे लेके गई थी, सबको अच्छे लगे थे, तो ये मैं दोबारा लेने आई हूँ। ये कितने वाला पैक है? 60 रुपए का। नहीं कितने ग्राम? आप नहीं दी थी ना पिछली बार? अच्छा, ये चीज़ घर में अच्छी लगी तो आप ये दोबारा दे दो, ये वाला रागी का एक और दे दो। दोबारा आए हैं तो रेट ठीक लगाना है आपने। ये ग्रीन वाले कौन से हैं? ये किस चीज के हैं? ये सोया मिंट है। सोया मिंट? सोया मिंट। और ये भुनी हुई मूंगफली आपकी, ये कितने की है? ये 60 रुपए का पैकेट आता है। हाँ ये वाली, ये कितने की है? 250 रुपए बॉक्स है। कितने पैकेट बनने हैं? एक ही करना है। एक ही करना है? हाँ। अभी पहली बार ट्राई करेंगे ना, अच्छी लगी तो दोबारा ले लेंगे। सैनिटाइजर भी खा लिया। आप ये कितने का? 200 ग्राम का बोला ना, ये कर दो 200 ग्राम का। थैंक यू भैया। एक अनदर एंट्री है इस जगह की, इस मार्केट की, सो आई एम जस्ट गोना गो इन और अंदर जाके आई विल ट्राई टू गेट सम वेजीज और फ्रूट्स, क्योंकि अब मैं वो चीज़ें ऊपर ऊपर रख सकती हूँ, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मतलब इट्स लाइक अ हब ऑफ एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अब भैया कितने लेते हो सामान उठाने का? इंसान जो मर्जी दे देते हैं लेते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते। ये वही ले रही हूँ, पूछ अच्छी है। खत्म हुई पड़ी है आई सपोज। नहीं मैं कह रही हूँ घर में खत्म हुई पड़ी है। यहाँ पे ये वाली चीज काली गाजर मैंने पहली बार देखी थी। भैया ये काली गाजर मतलब सलाद में खाते हैं? कैसे खाते हैं? सलाद भी खा सकते हो ना। हाँ जी, इसका जूस भी बनता है सलाद में। ब्लैक वाली का कांची एक ड्रिंक होती है, कांची, कांची गाजर, एस्पैरेगस और सेलरी। 200 किलो मेरे ही पल्ले पड़ जाएगी, घर में तो कोई खाएगा नहीं। ये भी डाल लो। ब्रोकली, ब्रोकली का क्या रेट है?
थक गए भैया, पकड़ गए है नहीं बन बन। तो पड़े हैं आलू, पड़े प्याज, पड़े हैं चप्पन कद्दू, नहीं चाहिए अदरक थोड़ी सी ले लेते हैं बिकॉज सुबह सुबह हॉट वाटर में काम आती है। राइस केक है क्या भैया आपको? कोरियन थाई करी वाला कुछ रेड चिली पेस्ट या कुछ ऐसा आता है, दिखा दो कौन से होते हैं। ये होते हैं कोरियन चिली पेस्ट बोलते हैं इसको, छोटे है, क्या चिली है, लाल चिली होती है ना बस। ये देखो ना हॉट पेपर रेड इससे बना होता है, डिफरेंस ये होता है वहीं की चिली होती है, वो कोरियन चिली है। तो राइस केक वाली डिश बनानी है तो वो इसी से बनती है, इसी से बनेगी। अगर मैं रेड चिली नॉर्मल ले लूं, ये कैसे बने हुए हैं क्या? ओके सो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज कि मैं ये लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मैं एज यू नो कि मैं इतनी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं ये चीज़ डालूँगी भी इतनी उसमें राइस केक में। भैया आप इसी का टोटल कर दो। ओनली वन थिंग लेफ्ट ऑन द एजेंडा विच इज़ ड्राई एप्रिकॉट, जो मैं और पापा बहुत शौक से खाते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो हमारे लिए ठीक रहता है, मतलब हमें टेस्ट वाइज भी पसंद है, तो आई जस्ट लुक फॉर दैट। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ चाहिए। भैया ये ऐसे ही दे देना, थैली में मत डालना, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा। इधर बॉटल ये हरी मिर्च है ऊपर रखना, फिर नीचे पहले ब्रोकली वगैरह रख दो, अनियन के नीचे। ये क्या है? ऑल सेट, थैंक यू। थैंक यू। भैया मेथी कैसे दी है? मेथी 20 रुपए का डाला, पानी नहीं डाला, पानी डाला। दिए भैया ये 200 का है, 200 का है। ये ब्लूबेरी कैसी दी है? 250। तो मैं यहाँ पे खोती बहुत हूँ। एप्रिकॉट चाहिए, फुरमानी कैसे है? ये 490 का पैकेट है, 980 रुपये। कितने ग्राम है ये? 500 ग्राम है। नहीं ओके सो फॉर चेंज मैं सेकंड शॉप में जा रही हूँ थोड़ी बहुत नींबू वगैरह लेने के लिए। और क्या बोला था मम्मी ने? भिट्टे। भैया मेथी का बताना एक बारी क्या कितने की है ये, और ये भे का क्या है? 180 रुपये किलो। ओए मूली तो ओए दादी को चाहिए मूली, मूली यहाँ पे है भैया, मूली चाहिए मोटी अच्छी। हाँ हम ले जाए, निकाल दो। कितना जी? कितना चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता, पत्ते हो तो चलेगा। ठीक है जी। ये तो बूढ़ी लग रही है, ये देखो जी। हाँ ये दोनों डाल दो, और धनिया भी इसमें डाल देना। नहीं ये नहीं, ये मैडम को 200 रुपये का पैसा है, 180 रुपये किलो है जी, 180। तो 80 मुँह बंद, आपने बोले तो बंद मुँह के चाहिए। कितने पीस चाहिए आपको? 2-3 और डाल दो। ब्रसेल्स स्प्राउट का क्या है? 120 का ये। कितने दिन चल जाएगा खराब जब ना हो फ्रिज में रखने के बाद? एक हफ्ता चलेगा खराब। ये ठीक है, ये डाल दो। और क्या? नींबू। लेकिन ले लूँ, आपने वहाँ पे जाके कम कराना है। ठीक है जी, डिस्काउंट करवा दूँगा। हाँ 10 वाले में। हाँ ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। 1 किलो जी। हाँ कितने पीस निकाल दो? आधा किलो कर दो। भैया गिविंग मी लेसन्स। हाँ जी अनार का क्या रेट है? ये डाल दो, एक मिनट रख के आ रहा हूँ। भैया ये रख लिया आपने? इसमें आ जाएगा ना भैया सब, थैली मत देना।
मूली है जी। 100 रुपए का लगाया, 120 का बताया था। इवन मिर्ची भी मैंने 120 रुपए किलो लगाई, वो अचारी वाली मोटी वाली। ये क्या है? मेथी 45 का है, लोटस रूट है 170, चेरी टमाटो 50, मूली 37 का है, पुदीना 30 का है, अचारी चिली 72, 285 का अनार है, कैप्सिकम 68। इसमें रख दूँ? इसी में रख दूँ मिर्ची? धनिया डाला? धनिया नहीं डाला, धनिया डाला। मसाले वाली शॉप्स, दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे रीजनेबल और एकदम बढ़िया वाले प्राइस मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली सरदार जी बैठते हैं, दैट इज लाइक द लैंडमार्क यू कैन से। और ये दुकान का नाम होरा मसाला कॉर्नर, यही है ना नाम? अंकल इज़ वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। तो जब भी कुछ ऐसा कुछ लेना हो तो जस्ट कम टू दिस स्पॉट। ये एंटर करते ही एक कॉर्नर में लाइक मिडवे में पड़ती है, तो ईजिली मिल जाएगी। बस आई एम गोइंग टू गेट खुरमानी एंड प्रॉबेबली कोई लाल मिर्च का मसाला, शायद, आई एम नॉट श्योर। घर वाले एक महीने तक शॉपिंग नहीं करेंगे। अरे मैंने पहले बोला था कि घर में सामान वामान सब लेना बंद कर दो थोड़ा टाइम, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ, ताकि मैं एक्चुअली मतलब व्लॉग बनाते हुए कुछ ले सकूँ, तो सब कुछ स्टॉक हो जाएगा। और बादाम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं घर पे ही होममेड बादाम मिल्क बना सकूँ, आलमंड मिल्क। तो ये हाथ से बनेगा तो ट्रस्ट फैक्टर और आता खाने पे। सो इस वाली शॉप के अंदर जाने के लिए यू नीड टू टेक ओरिका वाला जो बोर्ड दिखे, तो वहाँ से सीधा घुस जाना, राइट साइड में ही शॉप है, पहले राइट पे ही। आई एम जस्ट गोना गो टू द कार एंड गो होम देन। पहली मत थोड़ा हार्ड है। ओके सो ऑल लोडेड, इसमें सारी वेजीज हैं, इसमें सब कुछ मिक्स है। एंड मुझे जहाँ तक पता है इसके नीचे एक ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है, वो दब ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करने वाली हूँ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। थोड़ा शोर रहा होगा बट आई होप यू एंजॉयड दिस शॉपिंग विद मी। एंड अगर कभी INA मार्केट आओ तो टैग कर देना, अच्छा लगेगा। अगर पहले से कभी आए हो वो भी बता देना कॉमेंट में, तो थोड़ा पता चल जाएगा कि मैंने कितनी दिल्ली नहीं देखी हुई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, लेट मी नो वॉट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू नो वॉट टू डू, ड्रीम हसल एंड एक्सप्लोर। बाय। दिखाओ 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 कितनी कलरफुल लग रही है। हटो 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 हटो। अरे अरे अरे, बताओ क्वालिटी कैसी लगी चीज़ों की? मेरे को सब्जियाँ लेनी आती हैं। पास सैलरी का जूस बनेगा, भेंडों की सब्जियाँ बनेंगी। खाला मैं रोटी खाते नहीं है।